अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि विंटर्स हैं तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी फ़िश फिले की, स्पाइसी फ़िश फिले की ना है। इसकी सॉस मैं आपको बताना सिखा चुकी हूँ और एक क्रंची सी और मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आता है। फ्रेंड्स, एक टेबलस्पून हमने धनिया लिया है साबुत और एक टीस्पून जीरा लिया है, हाफ टी स्पून अजवाइन लिए। इन तीनों चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट करके तो कूट लूंगी, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं मैरिनेशन में। चलो फ्रेंड मैरिनेशन कर लेते हैं। 1 kg मैंने फिश ली है, फिश फिले लिया है, बोनलेस फिश। मैरिनेशन के लिए उसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं, जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उसके पीसेस कर लें। फिर हम क्या करेंगे, एक लेमन था उसका मैंने स्क्वीज कर लिया, बड़े साइज का लेमन था, आप देख लीजिएगा। और ये 3 से 4 अदद, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है, ग्रीन चिली, इनको मैंने कूट लिया था। 1 tablespoon इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, अंडा जाएगा 1 मीडियम साइज का, और ये इमली का पल्प है, ये इसके अंदर 1 tablespoon जाएगा। ये मैंने खुद बनाया है, नॉर्मली जस्ट गर्म पानी में ओवरनाइट इमली को भिगो दिया था और फिर सुबह उसको स्ट्रेनर में डाल के उसका पल्प निकाल लिया है। 2 tablespoon इसमें बेसन जाएगा, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं इसमें 2 teaspoon डाल रही हूँ। 1 teaspoon इसमें क्रश चिली जा रही है और 1 teaspoon इसमें तंदूरी मसाला जा रहा है। स्पाइसिस बस इतनी ही जाएंगी, बाकी जो हमने ड्राई रोस्ट की है वो इतने, ये देखिए ये हो गई है, इनको मैं कूट लेती हूँ और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से मोटा मोटा सा कूट लेना है, ठीक है। इसके जो धनिया है बहुत अच्छा लगता है फिश में, इसका क्रंच आए तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे सारा मसाला। ये बहुत थिक सा जरा मिक्सर बन जाएगा, बहुत ज्यादा रनी नहीं इसको ना चाहिए, बस अंडे का जो मॉइस्चर है, अंडे और जो हमने इसमें लेमन जूस वगैरह डाला है, इमली का पल्प, उसी का बस मॉइस्चर हमें चाहिए, क्योंकि फिश है उसको हमने अच्छे से पैर ड्राई किया हुआ, वो उसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। बस ये मैरिनेशन हो गई है, अब क्या करेंगे हम फिश ऐड करेंगे इसमें और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। बस मैरिनेशन करेंगे इसको तकरीबन 4 से 6 घंटे, जितना आपके पास टाइम हो। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये देख ले, इस तरह से पूरी फिशेस को हमने पीसेस को सारे को कोट कर दिया है। बस इसको मैरिनेट कर लेंगे, जितना आपके पास टाइम हो आप कर सकते हैं, ये मैरिनेशन हो जाए फिर इंशाल्लाह इसको फ्राई करके दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह फिश भी हो गई है मैरिनेट, ऑयल भी मैंने गर्म कर लिया है अच्छे से गर्म करके, तो फिर मैंने मीडियम आंच कर दी है, बहुत ज्यादा आपने हाई नहीं एकदम से कर देना। और इसमें हम डाल देंगे अपने फिश के पीसेस, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है फिश। रिटर्न रेसिपी के लिए आप वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हुए हैं, मैं साइड चेंज कर रही हूँ। फिश फिले हैं आपको पता है, ये जल्दी से ही हो जाते हैं, ऊपर से हमने माशाल्लाह से इसको मैरिनेट बहुत अच्छा किया हुआ है, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं इसको मैरिनेट हुए हुए। बस आप इसको पलट पलट के मेक श्योर कर लें कि अच्छे से कुक हो जाए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, फिश हमारी अच्छे से कुक हो गई है। फिर हम इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे, आप लोग इसको एक दफा जरूर ट्राई करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।